हमारे देश भारतवर्ष का टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स सिस्टम न केवल ट्रबलफुल है बल्कि उसमें कहीं न कहीं टेररिज्म का अर्थात टैक्स आतंक का फील भी आता है। भारत में 12.25 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं और अब तक केवल 2.93 करोड़ लोगों ने अपनी रिटर्न दाखिल की है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ और वो है TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि TDS को लेकर 36 तरह के कानून सरकार ने बना रखे हैं। TDS की रिटर्न अगर दाखिल नहीं की गई तो ब्याज और जुर्माना इतनी मार मारता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। GST ये सोचकर लाया गया था कि बहुत ही सरलतम कर प्रणाली है, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे ज़्यादा जटिल कर प्रणाली भारत में आज तक नहीं आई। जब से GST लागू किया गया है तब से 1200 से अधिक संशोधन GST कानून में किए जा चुके हैं। GSTR के पोर्टल पर एंट्री करते वक्त अगर कोई एरर हो जाए तो उस एरर को अपराध की तरह घोषित किया हुआ है और 11 लाख रुपए तक के जुर्माने उसके लिए आरोपित किए गए। नमस्कार, मनी पावर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टैक्स ट्रबल अर्थात टैक्स टेररिज्म की। कोई भी सरकार अपने कामकाज के संचालन के लिए टैक्स वसूल करती है। बहुत तरह के टैक्स आरोपित किए जाते हैं। टैक्स वसूली का जो तंत्र है कायदे से वो सहज और सरल होना चाहिए, लेकिन विडंबना और दुर्भाग्य की बात, हमारे देश भारतवर्ष का टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स सिस्टम न केवल ट्रबलफुल है बल्कि उसमें कहीं न कहीं टेररिज्म का अर्थात टैक्स आतंक का फील भी आता है। इस समय जुलाई का महीना चल रहा है। 31 जुलाई व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख होती है। स्थिति यह है, भारत में 12.25 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं और अब तक केवल 2.93 करोड़ लोगों ने अपनी रिटर्न दाखिल की है। दिक्कत वाली बात यह है कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का काम पूरी तरह ऑनलाइन किया हुआ है और ऑनलाइन सिस्टम इतना फेल्योर हो चुका है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट के यहाँ जब कोई आयकर दाता अपनी रिटर्न दाखिल कराने जाता है तो एक दिन में 5-7 से ज़्यादा रिटर्न फाइल ही नहीं हो पा रही। इसकी वजह है आयकर विभाग का जो सर्वर है वो डंप हो जाता है, रुक जाता है। अभी तक केवल 2.93 करोड़ आयकर दाताओं की रिटर्न दाखिल हुई है। 12.25 करोड़ लोगों की कुल फेरिस्त है। कितनी संख्या में लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से बचे हुए हैं तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं, बचे हुए 12-13 दिन के भीतर इतनी बड़ी तादाद में रिटर्न दाखिल हो सकेगी। बहुत टफ काम है। सरकार आयकर की रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के अलावा अन्य विकल्प भी खुले रखे। आयकर रिटर्न SMS के जरिए भी दाखिल की जा सकती है, आयकर रिटर्न WhatsApp के जरिए भी दाखिल की जा सकती है, आयकर रिटर्न ईमेल के जरिए भी दाखिल की जा सकती है और आयकर रिटर्न पोस्ट कार्ड या डाक के जरिए भी दाखिल की जा सकती है।
सरकार इन पांचों विकल्पों पर विचार करे ताकि ऑनलाइन सिस्टम जब फेल हो तो एक आयकर दाता को रिटर्न दाखिल करने का कोई विकल्प तो उपलब्ध रहे। दूसरी प्रॉब्लम रिफंड की, आयकर दाता के आय से टैक्स TDS के रूप में कटता है और आयकर विभाग के यहाँ जमा होता है। कायदा ये है, आयकर विभाग की रूलिंग ये है कि टैक्स रिटर्न जब दाखिल हो उसके 24 घंटे के भीतर पूरा रिफंड आयकर दाता के खाते में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक स्थिति ये है, जितने भी कारोबारी उद्यमी हैं उनकी रिफंड रिटर्न दाखिल होने के बाद मिलने में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का समय लग जाता है। अर्थात 6 से 8 महीने तक उस रिफंड की राशि का सरकार उपयोग करती है और उस पर कोई समुचित ब्याज भी उस करदाता को नहीं दिया जाता। कितनी विडंबना वाली बात है, व्यक्तिगत आयकर दाताओं के सामने इस समय दो तरह की परेशानियां हैं, इसलिए कि उनके सामने दो तरह के विकल्प हैं, एक ओल्ड स्कीम और एक न्यू स्कीम। ओल्ड स्कीम में 2.5 लाख रुपए वार्षिक तक की आय वाले करदाताओं को तो पूरी तरह कर मुक्त रखा हुआ है, लेकिन 2.5 लाख रुपए वार्षिक से अधिक आय होते ही उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। न्यू स्कीम में 7 लाख रुपए वार्षिक आय तक वाले करदाताओं को कर मुक्त रखा गया है। अब करदाताओं के सामने असमंजस है, क्योंकि ओल्ड स्कीम में कई तरह की बचत योजनाओं के जरिए छूट मिलती है। छूट की राशि 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर मिलती है। यहाँ असमंजस की स्थिति दूर करनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि एक ही स्कीम करदाताओं के लिए उपलब्ध रहे, एक ही विकल्प उपलब्ध रहे, उसके सामने जो असमंजस की स्थिति है वो दूर की जानी चाहिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ और वो है TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि TDS को लेकर 36 तरह के कानून सरकार ने बना रखे हैं और TDS की रिटर्न हर महीने दाखिल करना अनिवार्य किया हुआ है। एक कारोबारी जिसके व्यवसाय का आकार 10 करोड़ या अधिक होता है और उसका कोई लेन देन 50 लाख रुपए या अधिक के आकार का होता है, तो बड़े कारोबारियों के यहाँ इस तरह के सैकड़ों लेन देन हर महीने होते हैं। हर महीने होने वाले इन सैकड़ों लेन देनों की TDS रिटर्न दाखिल करना सरकार ने अनिवार्य किया हुआ है और इस कारण उस व्यापारी, उस उद्यमी के सामने TDS रिटर्न दाखिल करना एक बहुत बड़ी मशक्क़त या बहुत बड़ा बोझ वाला काम होकर रह गया है। सरकार से हम ये दरख्वास्त करेंगे कि TDS को पूरी तरह समाप्त किया जाए, इसलिए कि इससे व्यापारी का, कारोबारी का ध्यान अपने कारोबार को बढ़ाने पर कम और TDS की रिटर्न दाखिल करने पर ज़्यादा रहता है। TDS की रिटर्न अगर दाखिल नहीं की गई तो ब्याज और जुर्माना इतनी मार मारता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। TDS का एक बहुत छोटा सा उदाहरण और दूंगा मैं आपको। जो लोग 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य की कोई संपदा या कोई वस्तु खरीदते हैं उन्हें 1% TDS काटकर जमा कराने का प्रावधान किया हुआ है। मकान, फ्लैट, जमीन आदि खरीदने वाले बायर्स को, क्रेता को ये पता ही नहीं होता कि उसे 1% TDS भुगतान में से काटकर सरकार के पास जमा कराना है। और स्थिति ये आती है कि 2 साल, 5 साल, 7 साल बाद मकान, फ्लैट,
जमीन खरीदने वाले आदमी को नोटिस मिलता है कि आपने TDS की रकम जमा नहीं कराई, इसलिए TDS की रकम, उस पर ब्याज और जुर्माना जमा कराएं। तो इस तरह की पेचीदगियों से आम आदमी को, आम करदाता को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब मैं बात करता हूँ GST की। GST ये सोच कर लाया गया था कि बहुत ही सरलतम कर प्रणाली है, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे ज़्यादा जटिल कर प्रणाली भारत में आज तक नहीं आई। जब से GST लागू किया गया है, तब से 1200 से अधिक संशोधन GST कानून में किए जा चुके हैं, और बावजूद उसके बहुत सारी पेचीदगियां अब भी मौजूद है। एक उदाहरण देता हूँ, GST इनपुट टैक्स का। GST इनपुट टैक्स एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत एक व्यक्ति माल खरीदता है, एक बेचता है। जो माल खरीदता है वह खरीदी हुई वस्तु का मूल्य चुकाता है, उसमें मूल्य भी शामिल है और GST भी शामिल है। जो बेचने वाला व्यक्ति है वो तो दे देता है वस्तु, लेकिन उसका जो GST उसको मिलता है वो सरकार के पास जमा नहीं कराता। तो जमा नहीं कराने के कारण खरीदार ने तो चूंकि पेमेंट कर दिया GST का, लेकिन विक्रेता ने उसको जमा नहीं कराया, तो लाइबिलिटी GST सिस्टम की तरफ से वापस खरीदार पर आती है। और इस तरह की बहुत सारी पेचीदगियां इस पूरे सिस्टम के अंदर समाई थी। एक बात GSTR रिटर्न के बारे में भी मैं करूंगा। ये रिटर्न हर महीने दाखिल करना एक व्यापारी के लिए अनिवार्य किया हुआ है। इस रिटर्न में एंट्री करते वक्त, GSTR के पोर्टल पर एंट्री करते वक्त अगर कोई एरर हो जाए तो उस एरर को अपराध की तरह घोषित किया हुआ है, और 11-11 लाख रुपए तक के जुर्माने उसके लिए आरोपित किए हुए हैं। एक एंट्री की छोटी सी भूल, भले ही करदाता ने टैक्स जमा करा दिया हो, उसकी मंशा चोरी की नहीं हुई हो, लेकिन कंप्यूटर पर या GST पोर्टल पर कोई एंट्री उसकी तरफ से गलत हो गई, तो उसे अपराध मानकर उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाना न्याय संगत नहीं है। दिक्कत वाली बात यह है कि GST सिस्टम में कारोबारी को, व्यापारी को अपराधी तो ठहरा दिया जाता है, लेकिन उसकी सुनवाई का कोई सिस्टम कहीं नहीं है। वह जिला अधिकारी के पास जाता है, जिला अधिकारी उसे प्रताड़ित करता है, वह स्टेट लेवल पर अपील करता है, स्टेट लेवल के अधिकारी के यहाँ उसकी सुनवाई नहीं होती, और उसके बाद उसका अगला स्टेप होता है GST अपीलीय प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल। और विडंबना की बात देखिए, राजस्थान में ये ट्रिब्यूनल आज तक बना ही नहीं। नतीजा, GST में अधिकारियों द्वारा शोषित कारोबारी को हाईकोर्ट जाने के लिए विवश होना पड़ता है। हमारा टैक्स सिस्टम बहुत डिफेक्टिव है, इस डिफेक्ट को दूर करने की महती आवश्यकता है। अगले सप्ताह हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेंगी। उम्मीद है ये जो टैक्स ट्रबल्स हमने आज यहाँ आपके सामने रखी है, इसका निराकरण करने की दिशा में कोई ना कोई पहल और प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा।
धन्यवाद। मनी पावर के इस अंक में, इस एपिसोड में हमने जो कुछ आपको बताया उससे, उस पर अपनी राय अवश्य जाहिर करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए मनी पावर।